टेक्निकल राजेश। सभी किसान भाइयों को राम राम, सीताराम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज मेरी फार्म की जो मूछली है ना, वो 95 दिन की हो गई है। और 95 दिन बाद मैं इसमें मतलब इसकी कुचाई करता हूँ। मतलब कुचाई जो होती है ना, मतलब थोड़ी नमी, बेड्स पे नमी होनी चाहिए, जिससे इसमें कुचाई मतलब इतना, मतलब 1 से 1.5 इंच मिट्टी दब जानी चाहिए थोड़ी। आप चाहें तो ट्रैक्टर से भी कुचाई कर सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर के लिए आपको मतलब खेत थोड़ा सूखा चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा वजन होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक छोटा सा, मैंने एक रोलर बनाया है जिसका वजन 50 किलो के समथिंग होगा। तो उससे क्या होता है कि वो कम, मतलब उससे ज़्यादा ज़्यादा नहीं होती कुचाई, मतलब नॉर्मल हो जाती है, जिससे हमको खोदने के टाइम पे भी तकलीफ नहीं होती। आप देख सकते, पीछे दिख रहा है जो मैंने खुद अपने हाथों से रोलर बनाया है। ये मतलब उसको ऐसा खींचते जाना है और साथ में चलते जाना है उस तरीके से। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूँ कि इसकी, सफ़ेद मूसली की कुचाई करना क्यों ज़रूरी है। कुचाई इसके लिए ज़रूरी है, इससे दो फायदे होते हैं। एक तो जो आपकी मूसली के फंगर है नीचे ज़मीन के अंदर, तो कुचाई होने के बाद में इसके पत्ते ख़त्म हो जाते हैं। कुचाई होने के बाद जो इसके अंदर ज़मीन में जाके कीड़े इसको जो नीचे से सड़ाते हैं, या फिर उसमें दीमक टाइप में लग जाता है, तो ये कुचाई करने से दीमक नहीं लगता। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मिट्टी अंदर ज़्यादा ऊपर से वजन लगने से दब जाती है। दबने से फिर उसमें कीड़े मकोड़े जो है घुसने का कम चांस होता है। क्योंकि इसको पत्ते ख़त्म होने के बाद भी हमको पानी देना होता है हर 15 दिन पे, तो इसके लिए कुचाई ज़रूरी है। और पहला फ़ायदा तो ये है कि इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते। दूसरा फ़ायदा ये है कि कुचाई होने से जो फंगर हैं, जो थोड़े बहुत बाकी हैं, वो मोटे भी हो जाते हैं और ज़्यादा। और सबसे मेन फ़ायदा जो है वो है छिलाई के लिए। ऊंचाई होने से छिलाई का जो छिक्कल है वो बड़ी आसानी से निकलता है। ऊंची हुई मछली, मैं 3 साल से इसका एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि जिस साल मैंने बेड्स कुचे, मतलब दबाए नहीं थे या फिर उस पर रोलर नहीं चलाया था, तो उस साल की मछली मेरी छिलाई के लिए थोड़ा अच्छे से नहीं छिल रही थी। फिर 2 साल से मैं रोलर चलाना इसमें स्टार्ट किया, तो उससे मेरी मूसली जो है उसका मतलब छिक्कल बड़े आसानी से निकलना चालू हो जाता है। और ऐसा मतलब नहीं कि थोड़ा बहुत निकलता है, पूरा निकलता है। ठीक है, तो ये दबाने से ये दो फायदे हैं। एक तो दीमक नहीं लगता है, दूसरा ये कि छिलाई अच्छी हो जाती है, मतलब उसका छिक्कल दबने के बाद उसको छोड़ता है फिर वो टाइम आने के बाद। और एक और कि बीज का, आपको पता है कि बीज की जो मूसली है वो खेत में ही फरवरी मार्च तक रखनी पड़ती है। तो तब तक तो फिर आप हर 15 दिन में पानी देंगे, तो आपको मालूम है गर्मियों के टाइम पे या ठंडी के टाइम पे जब भी आप खेत में पानी देंगे, तो जो ऊपर बाहर कीड़े मकोड़े घूमते हैं वो जमीन के अंदर जाते हैं। तो अगर खोखली ज़मीन होगी तो कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी अंदर चले जाते हैं, और अगर थोड़ी दबी हुई ज़मीन है तो कीड़े मकोड़े इतने आसानी से अंदर नहीं जा पाते हैं। तो ये मेरा मतलब, बाकी लोग तो कुचाई करते कि नहीं पता नहीं, पर मैंने खुद इसका प्रैक्टिकल करके देखा है और इसके फायदे भी कई हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि किस तरीके से रोलर उस पर चलाना है, और मिट्टी भी मतलब बेड्स कितना गीला होना चाहिए, जिससे, क्योंकि वजन के हिसाब से अगर ज़्यादा कड़क रहेगा, ज़्यादा मतलब सूखी हुई मिट्टी रहेगी, तो आपका जो 50 किलो का जो मैंने बनाया है उससे दबेगा नहीं, मतलब मिट्टी दबेगी नहीं। तो इसके लिए उस उतना देखना है कि आप बेड्स के ऊपर चल रहे हैं और रोलर चल रहा है, तो मिट्टी मतलब पैर सल्लानी चाहिए, मतलब इतना कि आसानी से आप चलते जाओ, और इतना इतना मतलब 1 से 1.5 इंच मिट्टी थोड़ी दबती जाए। 1.5 इंच भी नहीं दबे, 1 इंच भी दब जाए तो काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, तो ये रोलर कभी चलाना है, रोलर जब चलाना है कि जब आपकी 95 दिन की मूसली हो जाए और मतलब 70% 75% पीले पत्ते होकर खेत में ख़त्म हो जाए, मतलब 10% मूसली बचे, 10 से 15% हरी मूसली बचे, तभी इस पर रोलर चलाना है। कि ना कि पूरे पत्ते ख़त्म होने के बाद इस पर रोलर नहीं चलाना है, उसके बाद चलाएंगे तो उसको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक ही चीज़ के लिए फ़ायदा मिलेगा कि जो दीमक नहीं लगेगा। बाकी अभी थोड़े हरे पत्ते होने पे मैं चलाने से क्या होता है, जो बाकी जो हरे पत्ते हैं, छोटे पौधे रह गए, तो उनका पौधा मतलब नीचे फंगर वो हो जाते हैं, मतलब थोड़ी मोटाई बढ़ जाती है। और ये आप करके देखिए, इस साल तो आप अगले साल देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं, अभी आपके हिसाब से मूसली में अगर टाइम होगा। क्योंकि पत्ते ख़त्म होने के बाद इसका अगर रोलर चलाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ दीमक के लिए मतलब निकलेगा, बाकी मोटाई के लिए नहीं होगा। क्योंकि अभी पत्ते रहने पर, अभी क्योंकि अभी मेरे पत्ते
60%, 70% खत्म हो गए हैं, 30% बटे हैं, तो जो 70% खत्म हुए हैं वो अभी मतलब जस्ट में ही खत्म हो गया, तो मतलब अभी पौधा उसका नीचे ग्रोथ रुका नहीं है, पत्ते खत्म होने के बाद भी पौधे का ग्रोथ नहीं रुकता है, क्योंकि एक महीने तक उसको, इसीलिए हम एक महीने पत्ते खत्म होने के बाद एक महीने बाद छिलाई करते हैं, क्यों, क्योंकि पौधा पत्ते खत्म होने के बाद भी नीचे थोड़ा सा मतलब ग्रोथ नहीं करता है, पर उसकी मोटाई बढ़ती है, उसका छिक्कल पकता है, तो उसको कुचाई करने से ये अच्छे से मतलब पौधा वो हो जाता है, मिट्टी दब जाती है, और इसको आपको पता है कि दबी हुई मिट्टी में पानी भी कम रहता है, तो इसका ये पानी कम रहने से यही एक फ़ायदा है कि इसमें फंगर, क्योंकि इसमें मिट्टी खुली रहेगी, खोखली रहेगी, तो पानी ज़्यादा इसमें जमा रहेगा, मतलब अंदर नमी जल्दी मतलब सूखेगी नहीं, तो जिससे पौधे को फ़र्क पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो यही वजह है कि मैं रोलर चलाता हूँ, और अभी आपको दिखाता हूँ कि रोलर किस तरीके से चलाना है और कितनी मिट्टी दबी हुई होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आएगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, सिया राम। हो आराम से, इतने जल्दी थोड़ी भागने हैं, फिर तो मैं बिल्कुल वजन वजन नहीं हुए। हाँ हाँ दीदी से फर्क पड़ा थे, कितने भूले, सकल दे बोलियो। तो देखिए दोस्तों, ये अभी मेरे बेड्स में नमी है, और देखिए ये का एक एक पौधे बचे हैं, कहीं कहीं मतलब 15% बची है, तभी मैं इसको कुचाई कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे पत्ते ख़त्म होने के बाद इसका कुचाई का बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए, ये जो पत्ते हरे हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, सिर्फ मिट्टी की कुचाई हो रही है, पत्ते जो हैं सिर्फ वहीं वो हो जाते हैं, मतलब बैंड हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको आसानी से धीरे धीरे चलाना है इससे। ठीक है, ये हमारे विक्रम भाई चला रहे हैं, ये देखिए, आप सोच सकते इसमें वजन है, थोड़ी ताकत पड़ती है, और खेत में भी नमी है, देखिए इतनी नमी होनी चाहिए, देखिए ये देखिए उंगली से दब रहा है, देखिए देखिए उंगली से इतने, ये देखिए इतना दब जाता है, तो सोचिए कि उस पर 30 किलो वजन डालने, 40 किलो का वजन डालने से थोड़ी मिट्टी दबेगी, ज़्यादा मिट्टी नहीं दबानी है, नहीं तो फिर क्या, खुदाई के टाइम पर भी हमको तकलीफ होती है। दोस्तों ये जो रोलर है ना, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, खुद मैंने अपने दिमाग से। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही मैं किसानी से जुड़े हुए मतलब जो मुझे ज़रूरत होती है वो मैं औजार बनाता रहता हूँ अपने दिमाग से। ठीक है दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने अपने हाथों से मशीन भी बनाई थी, मशीन मैंने कहीं से देखा नहीं था कि कैसा होता है अपने दिमाग से, उसी तरह से मैं सोचा कि ट्रैक्टर से कुचाई करने से अच्छा है कि ज़्यादा वजन होता है। एक साल मैंने ट्रैक्टर से कुचाई की थी, तो उससे क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा दब गया था, वजन होता है ट्रैक्टर में आप समझ सकते हैं, तो फिर खोदने के टाइम पर मुझे बहुत लेबर लग गई थी। ठीक है, तो इसलिए फिर वो मुझे दे सोचा कि क्यों ना थोड़ा ऐसा वजन बनाया जाए कि जिससे हल्का हो। ठीक है दोस्तों, देखिए उल्टा हो जाओ उस तरफ खींच लो, ये गड्ढा है ना। ठीक है दोस्तों, देखिए जहाँ फंस जाता है ऐसा, तो इसको आराम से ऐसा खींच लेते बस। ठीक है, और दोस्तों इसी तरीके से मैं अभी जो आपने देखा होगा वीडियो, मैंने ऑर्गेनिक जो दवाई बनाई है उसके लिए मुझे काफ़ी उसमें मटेरियल पीसना पड़ता है, तो वो हाथ से मैं बहुत थक जाता था पीसते पीसते, तो अब मैं उसके लिए एक बड़ा साइज, बिग साइज मिक्सर भी बनाने वाला हूँ,
तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और टेक्निक से जुड़ी हुई हर वीडियो में हर चीज़ें बनाता रहता हूँ। जो मुझे ज़रूरत पड़ती है वो मशीन में बनाता हूँ खुद, ठीक है दोस्तों। हालांकि काफ़ी ज़रूरत पड़ती है पर पैसे की वजह से थोड़ा नहीं बना पाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों का इसी तरीके से सपोर्ट और प्यार मिलेगा तो जो मशीन बनाऊंगा तो आप लोगों को इस पर वीडियो ज़रूर डालूंगा, ठीक है दोस्तों। अभी देख सकते हैं, देखिए आराम से धीरे धीरे, मतलब जो ये वाला हाथ वैसा कर लिया करो, देखिए दोस्तों ऐसा, इसको बड़े आसानी से ऐसा धीरे धीरे, मतलब बेड से नीचे नहीं उतरना चाहिए इसको, ऐसी कुचाई करनी है, ठीक है। देखिए कैसा लगा दोस्तों ये यंत्र आपको, कमाल का है ना। इससे आप कोई भी चीज मतलब समतल कर सकते हैं, आप मिट्टी भी डाली है तो उस पर भी चला सकते हैं, कहीं भी आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है मूछली के लिए, और भी कुचाई कोई चीज करनी है तो आप कुचाई कर सकते हैं इसकी, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से देखिए, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि वजन कम है, इसमें वजन ज्यादा है और थोड़ी मेहनत भी लगती है, ठीक है, पर थोड़ा सावधानी से चलाना होता है। इस तरीके से मैं अपने फार्म की मूछली की कुचाई करता हूँ। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कुचाई क्यों कर रहे हैं आप, हरे पौधे हैं उस पर आप कुचाई कर रहे हैं, बेलन चला रहे हो, तो उसकी भी वजह है, ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि इससे मेरा नुकसान होगा, नुकसान नहीं होगा, आपका बेनिफिट ही होगा, क्योंकि अभी इसको तो पत्ते ख़त्म होने के बाद ही मुझे 2 महीने, इसमें अभी 1 महीने बाद ही मेरी मतलब 15-20 दिन तो अभी निकल जाएंगे छिलाई के लिए। अब ऐसा बैक में चले जाओ, ऐसा ही, ठीक है दोस्तों। इसको 2 बार रोलर चलाता हूँ मैं, एक सीधा आता हूँ और एक अभी फिर बैक में, ठीक है। देखिए अभी ज़्यादा पत्ते इतने अभी हरे हैं, इस पे ही चलाना है, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं बैट से, देख के आपको पता चल जाएगा कि कुचाई हो रही है, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, उसी तरीके से, और उस पर, ठीक है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सपोर्ट करिएगा कि दोस्तों, मेरा एक सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसान भाइयों को सही जानकारी देना और सही नॉलेज देना खेती के बारे में, जो भी मैं खेती करता हूँ। ज़्यादातर मैं सफ़ेद मूछली की खेती करता हूँ, ठीक है दोस्तों। वजन बढ़ा दो, बस इतने ही, आराम से चले चलो, कोई टेंशन नहीं है। देखो जो नीचे डाउन आ रहा है, हाथ से मार दाऊ बस, वो भी मुझे दो ही इधर लगा नहीं लियो, लेकिन तुम वैसे ही लगा पक रहे हो, तो हम हाथ से करें अकेले। नीचे उतार दो दोस्तों, देख सकते हैं आप कि ये अभी भी मेरे कितने बैट्स की हाइट कितनी है, ठीक है। तो ये हाइट इसीलिए पहले शुरू से हाइट होनी चाहिए, क्योंकि बारिश कितना भी हो आप बता नहीं सकते, ऊपर वाले की मर्जी नहीं जान सकते हम कितनी बारिश होने वाली है, तो इसके लिए फिर वो बैट्स नीचे रहेंगे, शुरू से ही नीचे होंगे बैट्स, तो फिर वो पानी से मिट्टी बैठती है तो उससे फिर वो काफ़ी तकलीफ हो जाती है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरी मूछली कितने मतलब 3 महीने हो गए पूरे, ऊपर ज़्यादा होने वाले हैं, 95 दिन हो गए, ठीक है। मतलब ये जो काउंट में गिनती आपको बताता हूँ, तो जिस दिन से मेरी मूछली लगी थी उस दिन की नहीं, उस दिन से नहीं बता रहा हूँ मैं, मतलब मूछली लगने के बाद फाइनली 1 हफ्ते बाद जब भी पूरे खेत में अंकुर हो जाते हैं तभी का मैं दिखा रहा हूँ, तभी से मैं गिनती करता हूँ। रियल में मूछली का काउंटिंग वहीं से होता है, जिस तरीके से अगर हम किसी का जन्म तिथि मानते हैं, तो अगर बच्चा पेट में है तो जब से उसकी जन्मतिथि नहीं मानी जाती, जब उसका जन्म हो जाता है तभी से उसके दिन गिनती चालू होती है। तो उसी प्रकार ये मूछली का भी मैं काउंट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। कई कई लोग
इस तरीके से वो करते हैं कि उनका मतलब मूसली जिस दिन लगाई है, रोपाई की है, उसी दिन से उनके दिन गिनना चालू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार सीधे और एक बार आप ऐसा बैक में जा सकते हैं, आप अपने उसके हिसाब से। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए, हर किसान भाइयों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों आप मानेंगे नहीं, मुझे वीडियो बनाने के लिए एक आदमी बुलाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं आपको करके दिखाऊंगा तो मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे वीडियो बनाना था, इसके लिए मैंने एक अपने विक्रम भाई को बुलाया और बोला आप चलाओ थोड़ा, मैं वीडियो बना लूँ, फिर मैं चलाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आप लोगों के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा हर किसान भाइयों तक वीडियो शेयर करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, और अभी कुचाई हो गई है मेरी, अभी इसके एक हफ्ते बाद मेरी बीज की जो बुकिंग है वो चालू कर दूंगा मैं। ठीक है, तो जो किसान भाई बीज लेना चाहते हैं वो बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, और रेट जो है आप कमेंट बॉक्स में मत पूछिए क्या रेट है, सूखे का क्या भाव है। मेरी कई वीडियो में इसके नंबर हैं, मेरा नंबर है कई वीडियो में, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर कॉल करके या फिर वैसा व्हाट्सअप करके रेट पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपने पूछा कमेंट में और मैं रिप्लाई देखा कमेंट, या किसी काम में बिजी रहूँगा तो फिर रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो आप सोचेंगे रिप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसलिए आप वैसा थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि जो रेट का और जो सूखे का बीज का रेट और मतलब ड्राई का रेट सब बताने के लिए कमेंट बॉक्स में नहीं बता सकते, बताने के लिए मतलब टाइप करना पड़ता है, उसको काफ़ी टाइम लग जाता है, उसमें फिर पता चला आपको समझ भी नहीं आया, इसके लिए कॉल पे बात से समझाना जल्दी आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, थक गए हमारे विक्रम भाई, थोड़ा आराम कर लो, पानी वानी लाऊं। देखिए दोस्तों, किसान भाइयों कितना मेहनत करना पड़ता है हम लोगों के लिए, और हम किसान भाइयों का कोई नहीं होता है, कोई मदद करने के लिए नहीं होता है। मैं इसीलिए मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ किसान भाइयों के लिए, कि किसान भाई को जानकारी, क्योंकि किसान भाई काम तो अच्छा करते हैं, मेहनत भी करते हैं, पर जानकारी नहीं होती है, इसके लिए उसका मुनाफा नहीं पा पाते हैं, और उनको फ्री में फोकट में कोई जानकारी देने वाला होता नहीं है, सब लूटने वाले होते हैं, जो भी हैं नेता भी किसान को लूटते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले भी किसान को ही लूटते हैं। ठीक है दोस्तों, हमको कोई नहीं है, हमारा इतनी मेहनत से हम फसल उगाते हैं और हमारी फसल का कोई भाव नहीं होता है, जो मर्जी आती है वो खरीदा जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए मूसली में कितनी मेहनत होती है, आप पूरा वीडियो भी देखते रहते हैं, उसको सब कुछ करना, गुड़ाई करना, डेढ़ एकड़ में मैं लगाया हूँ और अभी तक मेरी लागत इसमें 50 से 60 हज़ार आ चुकी है, और सोचो कि फिर मैं आपको बीच पे, आप सोचो कि 200 रुपये 250 रुपये पर केजी मैं बेचूं बीच पे, तो नहीं होगा, इससे अच्छा तो मैं दूसरी साल उसको लगा दूं और फिर ड्राई सुखा के उसको छिलाई करके बेचूं, तो मैं बेनिफिट में रहूँगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दो बेड्स की कुचाई हो गई है, तो मैं आपको दूर से दिखाता हूँ कि जिसकी बेड्स की कुचाई हो गई वो आपको अलग दिख रहे होंगे, देख सकते हैं आप, ये दोनों बेड्स की कुचाई हो चुकी है। देखिए आपको, आप खुद जज करके बता सकते हैं कि कुचे हुए आपको मिट्टी दबी हुई लग रही कि नहीं, इनकी अपेक्षा। ये देखिए, ये जो है अभी इसकी कुचाई नहीं हुई, इस पर अब एक बार अभी रोलर लेके जा रहा है, और ये इस पर जो फाइनली डबल कुचाई हो चुकी है, तो आप खुद देख सकते हैं कि इसमें दिख रहा है आपको कि ये कुचाई फर्क पड़ रहा है, मिट्टी दब रही है कि नहीं, बस इतनी ही दब गई, काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों देखिए फाइनली कुचाई हो गई है, कुचाई होने के बाद देखिए कैसी दिखती है, देखिए आपको बेड्स पता चल रहे होंगे,
की कुचाई के बाद देखिए सब एक लेवल में दिख रहे हैं, मतलब बैट्स पहले ऊपर नीचे दिख रहे थे आपको, देखिए अभी कुचाई किए हुए बैट्स अलग दिख रहे हैं। आप लाइन से आखिर तक पूरा देख सकते हैं, वहाँ तक देखिए ये बैट्स पूरा दिख रहे हैं बिल्कुल, कि इसकी कुचाई हो गई है। देखिए ठीक है दोस्तों, थक गया हूँ, देखिए दोस्तों कुचाई के बाद ऐसी दिखती है। अभी कुचाई हो चुकी है, कुचाई होने के बाद अभी जब इसमें खेत पूरा तरह से सूख जाएगा तो फिर इसमें जो मतलब खरपतवार जो दिख रहा है उसको मैं जानवरों को इसमें बांध दूंगा अपने एक तरफ से, तो वो पूरा खर मतलब निकाल पूरा खरपतवार खा जाएंगे पूरा, फिर सिर्फ बैट्स दिखेंगे, मिट्टी दिखेगी, सिर्फ पूरा सफाई हो जाएगी। पर उसके लिए अभी टाइम है, अभी 10 दिन तक, क्योंकि अभी नमी है तो 10 दिन तक सूखने में टाइम लग जाए। जब तक जो बचे हुए पत्ते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जब तक पत्ते हैं तब तक इस पर जानवर नहीं छोड़ना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों? ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और हर जानकारी हर किसान भाई के पास पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और आपको दिखा दिया मैंने कि मैं किस तरीके से अपने मूसली फार्म का जो मूसली है उसकी कुचाई करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए जब को सभी को राम राम सीताराम, जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत।